खेल प्रेमी संजय गर्ग ने खेल जगत में लाई क्रांति। उत्तर प्रदेश ओलंपिक मंच के उपाध्यक्ष और सहारनपुर जिला के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संजय गर्ग ने सहारनपुर जिला की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग करोड़ों की धनराशि खर्च कर अंबेडकर खेल स्टेडियम का कायाकल्प कर दिया। खेल प्रेमी संजय गर्ग के प्रयास से इस स्टेडियम में 9 करोड़ की धनराशि खर्च कर एक ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया गया है। 2 लाख की लागत से ओपन एयर जिम का निर्माण के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट का नवीनीकरण किया गया है। यही नहीं, शिक्षा सम्राट संजय गर्ग ने ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में ज्ञान कलश क्रिकेट एकेडमी का निर्माण कराकर क्रिकेट जगत की उभरती प्रतिभा के लिए एक मंच प्रदान किया है। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस क्रिकेट एकेडमी की भव्यता और आकर्षण किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। मिस्टर संजय गर्ग जी के प्रयासों से इस ज्ञान कलश के प्रांगण में एक ज्ञान कलश क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ किया गया, जो उसके शुभारंभ के लिए मिस्टर राजीव शुक्ला जी आए। और ये क्रिकेट एकेडमी आसपास के एरिया मेरठ तक भी अगर हम बात करें तो पूरी फैसिलिटी जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, अच्छी टफ विकेट्स, फील्ड ग्राउंड पूरा, अच्छे कोचेस, उस सब की सुविधाओं के साथ किया गया। और सर के प्रयासों से ही यह संभव हुआ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 बोर्ड ट्रॉफी के मैचेस को भी खिलाया गया और आगे के रणजी मैचेस के लिए भी इसके लिए काम चल रहा। इसमें स्विमिंग पूल के इनॉग्रेशन के लिए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम यहाँ आई थी और उन्होंने तब स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन किया था यहाँ पे, कि स्विमिंग में भी बच्चों को और एक्स्ट्रा करने के लिए मिले। सहारनपुर में पहला स्विमिंग पूल ज्ञान कलश के अंदर ही सर के प्रयासों से बना। यही नहीं, उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विकास पुरुष संजय गर्ग सन 2017 से सन 2021 तक ज्ञान कलश क्रिकेट एकेडमी में पहली बार अंडर 16 मिनी ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन कराकर सहारनपुर की खेल प्रतिभाओं को एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। यही नहीं, संजय गर्ग 18वें कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश ओलंपिक मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जा चुके हैं। मैं एथलेटिक्स में 400-200 मीटर इवेंट करती हूं और हमारे सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक बनने जा रहा है संजय गर्ग जी की कृपा से, और उनकी वजह से अब यहाँ पे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी तक थोड़ा टाइम लगा था बट लेकिन अभी ये बनने जा रहा है तो जल्दी आशा है कि जल्दी बन जाए और सब बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। संजय गर्ग जी जो जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है, और उनके सानिध्य में और उनके संरक्षण में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। अभी मिनी ओलंपिक जो कराया था उसमें 10 इवेंट हमने कराए थे जिला ओलंपिक संघ के माध्यम से। इसके अलावा जो टर्फ आपका जो सिंथेटिक है इसकी ये जो शुरुआत करी गई थी ये भी माननीय संजय गर्ग जी के द्वारा की गई थी। आज की डेट में अगर हम खेलों में बिना संजय गर्ग जी के बात करें तो बहुत कम है, उनके बिना यहाँ खेल संभव नहीं है। जितने भी खेल हैं उसमें मैक्सिमम जो आयोजन होता है वो माननीय श्री संजय गर्ग जी के द्वारा ही होता है। कुछ करिए बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए।